हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मास्टर स्पीक में आपका एक बार फिर से। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे का बैक रिकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं अपने डीवीआर या एनवीआर में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उस वीडियो को ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग आप अपने पेन ड्राइव में कैसे कॉपी कर सकते हैं या उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो होता है ये है कि काफी लोग के यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होता है और वो उनके कैमरे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो होती है जो रिकॉर्ड हो जाती है या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्लिप होता है जो वो चाहते हैं अपने पेन ड्राइव में उसको कॉपी करना या पेन ड्राइव में उसका बैकअप लेना, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलर जो होता है उसको फोन करना पड़ता है आपको, या आपको कोई टेक्निकल बंदा खोजना पड़ता है जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में कॉपी करके दे सके आपको। तो इस वीडियो की मदद से आप अपने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग अपने पेन ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग आप पेन ड्राइव में इजीली कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं कि आप अपने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग आप पेन ड्राइव में कैसे कॉपी कर सकते हैं। बैकअप लेने के लिए आपको पेन ड्राइव यूज करना है। पेन ड्राइव 8 GB से लेके आपका 64 GB तक होना चाहिए। ज्यादा बड़ा पेन ड्राइव जो भी होता है, ज्यादा स्टोरेज का पेन ड्राइव, वो काफी डीवीआर या एनवीआर में सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लगभग 64 GB पेन ड्राइव तक यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप बैकअप लेने के लिए कैमरे का सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पेन ड्राइव को अपने DVR जो मशीन है उसको पीछे के USB पोर्ट में आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, USB पोर्ट में लगाना है। तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट में यहाँ पे पेन ड्राइव को अपने लगा देना है। और इस वाले में पीछे एक पोर्ट दिया हुआ है USB का, किसी किसी में पीछे दो पोर्ट दिया रहता है, इसमें एक पोर्ट आगे भी दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने माउस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे माउस कनेक्ट है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने DVR या NVR की स्क्रीन पे जाना है। स्क्रीन पे जाने के बाद देखेंगे आप पेन ड्राइव लगाने के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है फाइंड USB डिवाइस। जब भी आप कोई भी पेन ड्राइव अपने DVR या NVR में लगाएंगे तो ऐसा मैसेज आपके DVR या NVR पे शो करेगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है फाइल बैकअप, लॉग बैकअप, कॉन्फिगरेशन बैकअप, अपडेट। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर का जो ऑप्शन दिखा रहा है फाइल बैकअप, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका DVR का जो भी आपका पैटर्न है उसको यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, तो अगर आपका DVR पैटर्न मांगता है तो यहाँ पे आपको पैटर्न ड्रॉ कर देना है। अगर यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगता है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। तो ये DVR जो है वो NVR जो है वो पासवर्ड पैटर्न मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से पैटर्न डाल के अनलॉक कर देता हूँ। ऐसे आपको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देखिए बैकअप का ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पे डिवाइस नेम में आपका दिखा रहा है USB HDB 1 और ये फॉर्मेट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है। और देखिए आप जो भी पेन ड्राइव लगाएंगे वहाँ पे यहाँ पे उसका टोटल स्टोरेज दिखाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 32 GB का पेन ड्राइव लगाया हुआ है तो यहाँ पे 28.65 GB यहाँ पे दिखा रहा है और 24.39 GB जो है इसमें अभी जगह खाली है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन दे रहा है। ब्राउज पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पेन ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं न्यू फोल्डर तो न्यू फोल्डर बना के भी आप यहाँ पे अपने बैकअप को सेव कर सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड चैनल का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड चैनल का मतलब होता है कि 1, 2, 3, 4, अगर यहाँ पे आपका 4 चैनल का DVR या NVR है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन शो करेगा। अगर 8 का रहेगा तो यहाँ पे 8 ऑप्शन शो करेंगे, और 16 का होगा तो आपका 16 ऑप्शन शो करेगा। जितने भी नंबर का आपका DVR या NVR होगा, जितने चैनल का, यहाँ पे आपका शो करेगा। तो आप अगर कैमरा नंबर 1 का रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं
बैकअप, तो यहाँ पे वन पे क्लिक करना होगा, कैमरा नंबर टू का करना चाहते हैं तो टू पे क्लिक करना है, थ्री का करना है तो थ्री पे करना है, और फोर नंबर का लेना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो फोर पे करना होगा। अगर सभी का करना चाहते हैं तो आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे कैमरा नंबर एक को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे एनवीआर में अभी एक ही कैमरा चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे टाइप का ऑप्शन दिखा रहा है, टाइप में देखिए ऑल, ऑल का ऑप्शन दिखा रहा है कि मतलब मोशन डिटेक्शन, रेगुलर पिक्चर जो भी है, मतलब ऑल टाइप का जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे पेन ड्राइव में कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम, ये अधिकतर एनवीआर में देखने को आपको मिलता है, डीवीआर में ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप एनवीआर का बैकअप ले रहे हैं तो आपको मेन स्ट्रीम पे क्लिक करना है, ठीक है। मेन स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पूछ रहा है। तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपको बैकअप लेना है उसको पहले आपको पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था उसको आपको पहले रिकॉर्डिंग चेक कर लेना है। चेक करने के बाद क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको प्लेबैक जो है रिकॉर्डिंग वो बैकअप लेने के लिए क्या करना है, स्टार्ट टाइम पे आपको पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आज का डेट सेलेक्ट करता रहा हूँ 22/1/2023। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे 22 की जगह पे 21 भी डाल सकते हैं। अगर आपके पहले एक बार चेक कर लेना है कि आपके डीवीआर या एनवीआर में कितने दिनों से रिकॉर्डिंग है, तो जिस भी डेट का आपको रिकॉर्डिंग लेना है उस डेट को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं आज का रिकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ आज का डेट 22/1/2023, और यहाँ पे टाइम, टाइम में डाल दे रहा हूं यहाँ पे आपका 8 बजे से लेके आपको निकालना है, और 8:10 तक आपको जैसे रिकॉर्डिंग आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लिया हूं, स्टार्ट टाइम में मैंने डाल दिया है 22/1/2023 सुबह 8 बजे से लेके, ठीक है। और यहाँ एंड टाइम में मैंने डाला है 22/1/2023 सुबह 8:10 का टाइम डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगभग आप 24 आवर का रिकॉर्डिंग कैमरे का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट टाइम डालना है और एंड टाइम डालना है, और यहाँ देखिए नीचे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट को आपको डीएवी यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिखा रहा है, कई डीवीआर में डीएवी भी दिखाएगा आपका, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे एएसएफ नाम का फाइल दिखाएगा। तो कभी भी आपको एएसएफ फाइल में आपको अपने बैकअप को लेना है। एएसएफ फाइल में बैकअप लेने का मतलब ये होता है कि वो रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल किसी में भी चल जाएगा। और ये फाइल फॉर्मेट जो डीएवी है वो इस फाइल, ये कैमरे का फाइल होता है जो कि कैमरे के ही प्लेयर पे, जैसे सीपी प्लस का ये डीवीआर है तो सीपी प्लस के डीवीआर का एक जो सॉफ्टवेयर आता है उस पे ये प्ले होगा। तो कभी भी आप फाइल फॉर्मेट अगर आपके डीवीआर या एनवीआर में एएसएफ शो करता है तो आप कोशिश करें कि आप एएसएफ पे ही निकालें, एएसएफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एएसएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं डीएवी पे ही निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। डीएवी पे निकालने के बाद आपको इस फाइल को कन्वर्ट करना रहता है, जो कि कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करके किसी में भी आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सब करने के बाद, फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखा रहा है चैनल, दूसरा दिखा रहा है स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ये आपको कन्फर्म कर लेना है कि किस चैनल का आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैनल नंबर 1 दिखा रहा है और टाइप में आर दिखा रहा है यानी कि रेगुलर, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ पे आपका साइज दिखा रहा है, ठीक है। ये केबी में दिखा रहा है 1,56,212 KB, ठीक है। और यहाँ प्ले का भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये आपको आप प्ले नहीं करना है यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे नीचे देखना है। आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है 152.55 MB नीड स्पेस, यानी कि इतना स्पेस आपके पेन ड्राइव में रहना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की साइड में तो यहाँ पे वन क्लिक बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा है,
और यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप चाहें तो वन क्लिक बैकअप पे क्लिक करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका बैकअप देखिए यहाँ पे बैकअप जो है वो सेव होने लगा है आपके पेन ड्राइव में। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। ये रिमेनिंग टाइम 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। जैसे ही बैकअप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा शो करेगा आपको, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउज का ऑप्शन जो दे रहा है वैसे शो करेगा, आपका जो भी पेन ड्राइव में फाइल वगैरह है वो शो होने लगेगा। और देखिए सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आप तो यहाँ पे दिखा रहा है एनवीआर चैनल 1 मेन, यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है और ये कितने एमबी का है, 152.58 MB फाइल ये दिखा रहा है। ये आपका कैमरे का जो है वो क्लिप है जो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। और अगर चाहते हैं आप न्यू फोल्डर बनाना तो यहाँ से आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ओके करके बैक भी आ सकते हैं। तो इस तरह आप अपने डीवीआर से या एनवीआर से अपना जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है वो अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच